हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज मैं जो है देख रहे हैं कि यहाँ इस वीडियो में आपको दिख रहा है कि मैं जो है पूजा करने बैठ गई हूँ। जी हाँ, ये प्रथमा से लेकर नौमी तक जो है मैं इसी तरीके से माँ दुर्गा को जो है तरह तरह का व्यंजन बनाया है और चढ़ाया है, और मार्केट से भी हमने जो इस तरीके से प्रसाद ला के चढ़ाया है। इस तरीके से हम लोग को पूजा जो है करना चाहिए। और आज जैसे कि नवमी है बता रहे हैं, तो नवमी में जो है घर पर ही जो है तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और माता के भोग लगाए जाते हैं। इस वीडियो में आपको दिखेगा कि मैंने माता का जो है भोग लगाने के लिए अपने घर में ही सुबह से तैयारी कर रहे थे। इधर पूजा भी करना है, उधर तैयारी भी करना है, तो बहुत ही हड़बड़ी थी। तो हमने साथ साथ जो है इस तरीके किस तरीके से आप जो है पूजा भी कर लेंगे और बिना झंझट का, यानी कि बिना परेशानी का आप जो है खाना भी बना लेंगे, यानी माता का भोग भी लगा लेंगे। जी हाँ, इस तरीके से हमने इधर पूजा भी कर रहे थे और उधर सबसे पहले हमने जो है भोग लगाने के लिए बना लिया। क्योंकि पूजा करते समय जो है माता का भोग जो है माता के सामने रखना चाहिए। तो हमने आज बनाया है इसमें खिचड़ी। हाँ, खिचड़ी का भोग लगता है। और हमने बनाया है मीठी खीर, गुड़ वाली मीठी खीर होता है वो, नारियल का जो होता है, नारियल का देकर बिना दूध का हमने आज जो है खीर बनाया है गुड़ वाली। इस यह रेसिपी कल जो है ज़रूर जाएगी और आप ज़रूर देखिए। और इसमें हमने बनाया है कचौड़ी, जो कि मार्केट में मिलती है कचौड़ी और सब्जी चनेदार आलू की, उसको जो है हमने माता को भोग लगाने के लिए हमने यह बनाया और बिना लहसुन प्याज के एकदम, और घी में सभी को बनाया है। तो आज हमने यहाँ पर भोग लगाया है इस तरीके से सुबह सुबह जो है। अभी आपको घड़ी में टाइम भी दिखेगा, कुछ 11:20 हो चुके थे। और इस तरीके से जो है हम देख रहे हैं कि ये जो है बहुत ही, हमने इस खिचड़ी का जो है भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण किया, बहुत ही टेस्टी था। तो ये रेसिपी का जो वीडियो है कल ज़रूर जाएगा, आप ज़रूर ही देखिए कि हमने ये सब जो है किस तरीके से बनाया। मात्र हमने ये जो माता का भोग का जो रेसिपी हमने बनाया आज भोग लगाने के लिए, ये मात्र जो है 30 मिनट, 25 से 30 मिनट में सब कुछ कम्प्लीट तैयार हो गया। इस तरीके से आप भी जो है कम समय में जो है किस तरीके से आप बना सकेंगे, हमारे कल के वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। और इस तरीके देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, और क्या फिर आप तैयार कीजिए, माता का जो है पूजा कीजिए। और फिर जो है आप देख रहे हैं, और फिर यहाँ बनाना है और पूजा करना है साथ साथ। तो अब हमको जो है नहाने जाना है। तो इस तरीके से लेट तो हो ही चुका है। तो पहले जो है माता का भोग बना लेते हैं। जो भोग बनाने के बाद माँ के पास जो है, दुर्गा माता के पास हमको रख लेते हैं। उसके बाद हम नहा के फ्राक्स में आ जाना है। और फिर क्या, फिर आप जो है पूजा कीजिए इस तरीके से, जिस तरीके से हम कर रहे हैं देख रहे हैं किस तरह मसाला इसके अंदर जा रहा है। कल के वीडियो में ज़रूर आप देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि चार चार रेसिपी एक साथ 25 से 30 मिनट में आप किस तरीके से बना सकते हैं। और ये तो है माँ का भोग लगा रहे हैं, लेकिन जनरली हम लोग इस तरीके से भी खिचड़ी, मीठी खीर, फिर जाके कचौड़ी, सब्जी हम लोग जनरली घर में खाते ही हैं। तो माँ का ये भोग है, और आप जनरली अगर बना के घर में खाना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यह वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दुर्गा पूजा के साथ साथ चार चार रेसिपी एक साथ और बनाना, ये जो है झटपट कैसे हो जाता है लक्ष्मी के रसोई में। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी हम जो है मेला घूमने जाना है, और मेला जो है घूमेंगे और वहाँ कैसा कैसा जो है डिश, यानी कि जो खाएँगे जो मिलता है मार्केट में, वो भी हम अपना शेयर करने वाले हैं। देख रहे हैं यहाँ पर एकदम गैस के पास चढ़ा हुआ है और उधर नहाने की तैयारी है। 11:20 तो हो ही चुके हैं, टाइम काफ़ी हो रही है। कहा जाता है 12 बजे के पहले जो है पूजा कर लेना चाहिए। तो बाहर का मौसम, सुबह से पानी पड़ रहा है, मेरा पता नहीं कैसे घूमेंगे हम लोग। बस यहाँ देखिए तैयार हो चुका है खिचड़ी, और हम जो है यानी कि लक्ष्मी की रसोई की जो लक्ष्मी है वो पूजा में लग चुकी है। और इस तरीके से आप जो है माता को खुश कीजिए, प्रसन्न कीजिए। देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से जो है पूजा कर रही हूँ। कल सा आज के दिन जो है माता का भोग लगाने के बाद जो है कलसा भी हिलाया जाता है, बेलपत्तर रखा हुआ है। और इस तरीके से हमने आज जो है बेलपत्तर का ही माला जो है बनाया है माता के लिए। और
फिर क्या, देखिए यहाँ पर जो है खिचड़ी एकदम आ चुकी है, कचौड़ी है, मीठी खीर है, बिना दूध वाली है, और यहाँ देख रहे हैं कि सब्जी है जो होटल में।